सारे कयास, सारे अनुमान, सारी चर्चा धरी की धरी रह गई। जिस मुलाकात पर राजनीतिक पंडितों की नजर टिकी हुई थी वो मुलाकात हुई ही नहीं और योगी आदित्यनाथ बैरंग वापस लौट गए। संघ प्रमुख से उनकी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन क्यों, ऐसा क्या हो गया? आखिर सीएम योगी गोरखपुर के सरस्वती शिशु मंदिर क्यों नहीं पहुंचे और आत्मीय होने के बावजूद मोहन भागवत से उनकी मुलाकात क्यों नहीं हुई? इस सवाल पर बीजेपी से लेकर आरएसएस तक कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। कयास लगाए जा रहे थे कि शनिवार को न सही, लेकिन रविवार को दोनों के बीच यानी योगी आदित्यनाथ और संघ प्रमुख मोहन भागवत के बीच मुलाकात हो सकती है। आज सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा गोरखपुर में जनता दरबार लगाया, बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, माना गया उसके बाद मुलाकात होगी। उम्मीदों के वो बादल छाए तो, लेकिन बिना बरसे ही निकल गए। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से ऋषिकेश निकल गए, तो क्या माना जाए? संघ और बीजेपी के बीच तल्खियां बढ़ गई हैं, या मुलाकात का कार्यक्रम पहले से तय ही नहीं था? फिर आखिर योगी आदित्यनाथ गोरखपुर गए क्यों थे? तल्खियों की बात इसलिए क्योंकि आरएसएस की तरफ से बयान ही कुछ ऐसे ही आ रहे थे। मर्यादा का पालन करके जो चलता है वो कर्म करता है, लेकिन कर्मों में लिप्त नहीं होता, उसमें अहंकार नहीं आता कि मैंने किया, और वही सेवक कहलाने का अधिकारी रहता है। अब माना जा रहा है कि बात फैलने के बाद संघ और योगी आदित्यनाथ के साथ बैठकर हार के कारणों की समीक्षा करना चाहता था। मसलन, उत्तर प्रदेश में बीजेपी क्यों हारी, लोकसभा चुनाव में बीजेपी कैसे पिछड़ी, राम मंदिर निर्माण जिसे बीजेपी का ट्रंप माना जा रहा था वो कार्ड क्यों नहीं चला, ऐसा क्या हुआ कि 2019 में यूपी की 62 सीटें जीतने वाली बीजेपी 24 में 33 सीटों पर सिमट गई। लेकिन हर तरह के कयास फिर से खामोशी के कमरे में चले गए हैं। संघ को बीजेपी की बैकबोन माना जाता है, जो हमेशा बीजेपी के लिए मार्गदर्शक बनकर मतदाताओं को जुटाने का अनकहा काम करता रहता है। लेकिन अब तल्खियों की खबरों के बीच योगी से भागवत की मुलाकात न होना क्या इशारा करता है? इसके लिए कुछ भी कहना फिलहाल जल्दबाजी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, जी न्यूज़।